अस्सलाम वालेकुम। आपको हम अपने YouTube चैनल डॉक्टर बीमी खुश आमदेद कहते हैं। आज हम आपको मुख्तलिफ जो ममालिक में अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वहाँ पे आप मुफ्त जा सकते हैं। कोई ये भी पूछ सकते हैं कि हम किस तरह एक मुल्क जो है वो मुफ्त जा सकते हैं। जी बिल्कुल, आप कहीं ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, मुख्तलिफ इवेंट्स होती हैं, तो वहाँ पे आप मुफ्त जा सकते हैं। और मैं ख़ुद भी दो दफ़ा जो है वो ये अपॉर्चुनिटी ईरान में जो है मैंने की है। तो आज मैं आपको ईरान के बारे में कि ईरान आप किस तरह मुफ्त जा सकते हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं वहाँ पे आप जा सकते हैं, उसके हवाले से मैं आपको इंफॉर्मेशन जो है वो दूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि ये एक वेबसाइट है। वेबसाइट आप पहले ये कर रहे हैं, इसको नोट कर लें यहाँ से। ये जो है ये इवेंट्स, ये यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के इवेंट्स आते हैं कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर एंड नेचुरल साइंसेज में, ठीक है। ये इवेंट्स है, इवेंट है, डिफरेंट इवेंट्स है। ऑलमोस्ट ये टोटल इवेंट्स बन रहे हैं मेरे ख्याल में, चार इवेंट्स बन रही है, 1, 2, 3, 4 जो आजकल ओपन है। ये चार इवेंट्स जो है ये ओपन है और इसमें सब चीज़ें जो हैं वो फ्री हैं। फॉर एग्जांपल पहले को हम क्लिक करते हैं और यहाँ से ओपन करते हैं इसको, तो हम इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या है। ये बहुत ही आसान चीज़ है, आप जस्ट ऑनलाइन अप्लाई करें और विद इन 2-3 वीक्स जो है वो आपको येस और नो में जो है रिप्लाई आ जाएगी। अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है और आप अच्छा उन्होंने वो किया हुए, तो आप बहुत ईजिली जो है ये चीज़ विन कर सकते हैं। ये कह रहे हैं कि ये 7 से 14 सितंबर 2019 को ये प्रोग्राम है और इसके बेनिफिट्स ये हैं कि इसमें सब चीज़ें हैं। जी सब चीज़ें ये हैं कि इसमें फ़्लाइट टिकट्स हैं, खाना, वीज़ा इनविटेशन लेटर और तेहरान और चीज़ें जो हैं वो हैं इसमें। ये नहीं, ये फुल फंडेड एक क्या है, एक फुल फंडेड ये एक इवेंट है। इसके अलावा अगर आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी के, तो वो कह रहे हैं कि यंग प्रोफेशनल ऑफ टू यंग प्रोफेशनल्स एंड स्टूडेंट्स, ये नहीं लिखे कि कौन है, लेकिन सिर्फ ये लिखे कि कोई भी नेशनलिटी का हो, किसी भी उसका हो, वो आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसकी उम्र जो है वो 18 से जो है वो 37 साल होनी चाहिए और इंग्लिश उसको आनी चाहिए, जो डेफिनेटली सब लोगों को आती है। और उसने कहा कि लास्ट डेट जो है दैट इज़ 31 मई 2019, इसको आप क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ जो है वो कह रहे हैं कि रिज़ल्ट जो है वो 7 जून को हो जाएगा। तो हम इसको आप फॉर्म को लेने हैं, फॉर्म को किस तरह फिल करना है, इसको हम क्लिक करेंगे और इसको यहाँ पे इंटर कर देंगे, ठीक है। जब इसको हम यहाँ पे इंटर कर देंगे तो थोड़ा सा हम सब्र करेंगे और फिर इसके बाद जो है ये जो फॉर्म है हम इसको ऑनलाइन फिल जो है वो करना है। या आप यहाँ से भी जो है कुछ वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर हम ये देख लें, जी ये आ गया इंटरनेशनल स्टूडेंट वीक, ईरान इज़ कॉलिंग, और ये है कि ये वही लिखा है। अगर आपको कोई मसला हो तो आप इस ईमेल पे जो है उसके साथ कांटेक्ट भी कर सकते हैं। वही लिखा है कैंपस कहाँ पे होगा, एग्रीकल्चर एंड नेचुरल रिसोर्स यूनिवर्सिटी ऑफ तेहरान का कैंपस जो है उधर होगा। ये आप इंफॉर्मेशन जो है नेम, ईमेल, मोबाइल और यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइजेशन, इसको आपने फिल करना है, ठीक है। और ये क्या है, ये फिल करना है आपने, ये जब फिल कर दें आपने जस्ट सबमिट करना है। सो इजी, और इसमें बहुत ही आसान, मेरे ख्याल में कोई मुश्किल चीज़ें नहीं है, बहुत ही आसान चीज़ें हैं और आप इसको ये कर सकते हैं। ये जो पहला प्रोग्राम था इनका था, ये था एनवायरनमेंट वर्ल्ड फोरम ऑफ फ्यूचर लीडर्स ऑफ एनवायरनमेंट। इसके अलावा एक और अपॉर्चुनिटी भी है और वो है वॉलंटियर कैंप के हवाले से। ये अगर आप देख लेंगे तो इसमें लिखा होगा वर्ल्ड फ्यूचर और ये लिखा होगा, हाँ, अगर ये चार लिखे हैं चारों, अगर यहाँ पे आप किस में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। यानी एक ही फॉर्म है, फॉर्म सबके लिए एक ही है, लेकिन आप इसमें जो है वो क्लिक कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे, आपके साथ रिलेवेंट हो, तो आप उसमें क्लिक कर सकते हैं और उसमें हिस्सा ले सकते हैं। ये भी 7 से 14 है, यानी ये मुख्तलिफ कैंप्स हैं, ये भी 7 से 14, ये मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो उसमें पूरी दुनिया के लोग होंगे। तो अगेन वही बेनिफिट्स हैं, बेनिफिट्स क्या हैं, फ़्लाइट टिकट है, सब चीज़ें मुफ्त हैं, 18 से 38 साल बिल्कुल ज़बरदस्त है। और वही है 31 मई
वही डेट और 7 जून जो है वही है। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी अपॉर्चुनिटी है। फेसबुक पे इनका ये पेज है, ये भी आप कर सकते हैं। अगर ईमेल है तो वही फॉर्म है, एग्जैक्टली वही फॉर्म। अगर आप इसको कॉपी कर लें और आप इसको पेस्ट कर लें इधर, तो वही फॉर्म है जिसको आप फिल कर सकते हैं। और जिसको फिल करने के बाद वही एग्जैक्टली ये देखें वही एग्जैक्टली वही फॉर्म है। ठीक है, तो आप अप्लाई करें, अपने दोस्तों को बताइएगा, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ स्पेशली पाकिस्तानियों के लिए बहुत आती हैं। और इंशाल्लाह मैं फ्यूचर में भी ऐसी जो अपॉर्चुनिटीज़ होंगी वो आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। इंशाल्लाह मेरी उम्मीद है कि कुछ ना कुछ लोग जो हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं और ये जो प्रोग्राम है ये ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा ये और भी प्रोग्राम्स हैं, समर पर्शियन लैंग्वेज, अगर कोई फारसी ज़ुबान में वो करना चाहते हैं वो भी कर सकता है। यूनाइटेड नेशन मॉडल यूनाइटेड नेशन वो भी प्रोग्राम है। ये सारे ये 4 इवेंट्स जो हैं, तो ये मेरे ख्याल में ये समर स्कूल भी वही है। अच्छा, किसी को अगर मॉडल यूनाइटेड नेशन का वही, उसमें भी तेहरान एग्रीकल्चर में समर स्कूल भी है, इंटरनेशनल समर स्कूल ऑन सस्टेनेबल टूरिज्म। और ये मेरे ख्याल में कहाँ का है, ये भी इसमें फुल पार्टिसिपेंट्स हैं, 38 लिखा है, लेकिन इसमें उन्होंने बाकी जो है ये सेम ऑलमोस्ट सिमिलर उसका है जो है वो आप कर सकते हैं। टूरिज्म वाले जो हैं वो इसमें इंटरेस्ट हैं, स्पेशली एग्रीकल्चर वालों को मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो मस्ट अप्लाई करें। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि बहुत सी चीज़ें, क्योंकि मैंने खुद अप्लाई किया था, मैं खुद जो है सेलेक्ट हुआ था 2012 में, मैं गया था ईरान। दोस्तों ये था हमारा आज का, किस तरह आप अपॉर्चुनिटीज़ से जो हैं वो आप ईजली अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो ले सकते हैं और किस तरह जो है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियोस भी आएंगे और अपॉर्चुनिटीज़ जैसी नहीं आएंगी मैं आप वीडियो जो है वो वीडियो में उसके जो है आपको टिप्स दूंगा कि किस तरह आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।